भाजपा के दतिया जिला कार्यालय का शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भाजपा की कथनी और करनी में एकरूपता है, यही बीजेपी की ताकत है। भाजपा के जिला कार्यालय का शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम नेशनल हाईवे झांसी ग्वालियर रोड पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस कार्यालय के बन जाने से पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने में सुविधा होगी। एक समय था जब दतिया में कार्यालय के लिए किराए की जगह भी नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि कार्यालय बनने के बाद भांडेर, सेवड़ा सहित हर गरीब मजदूर किसान के ये काम आएगा। तोमर ने कहा कि भाजपा देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में एक रूपता है। जो हम कहते हैं वो करते हैं। कश्मीर में धारा 370 और राम मंदिर इसका उदाहरण है। बहुत सारे लोग उस कालखंड के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक कमरा किराए पर मिल जाए और हम उसमें कार्यालय बना लें, यह भी दतिया जिले में कठिन होता था, मुझे वो समय याद है। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने इतना कठोर परिश्रम किया कि अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की नंबर एक पार्टी बना दिया। और जब हम दुनिया की नंबर एक पार्टी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी नंबर एक ही होना चाहिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये कार्यालय भाजपा का बन रहा है, इसलिए भाजपा कार्यकर्ता से ही धन संग्रह किया जाएगा, किसी भी व्यापारी से कोई चंदा नहीं लिया जाएगा। जिस तरह दतिया का मेडिकल कॉलेज भवन, न्यायालय भवन संभाग में सबसे अच्छे बने, वैसे ही भाजपा कार्यालय भी नंबर वन बनेगा। पर परमार्थ के कारण मोहे लावे लाल। माननीय नरेंद्र सिंह जी दतिया में बैटनरी कॉलेज की, बिजनेस कॉलेज की लंबे समय से मांग है और आप जो है उस रात के पत्री हो। वो कहावत है ना, घर क्या और रूपा खाओ, एक कहावत है। आप हम सबके प्रिय नेता हो, इसलिए मैं दतिया की ओर से मांग करूंगा कि आज आप नौ दुर्गों में उसके शिलान्यास का समय भी हमें दे। जब तक मनमास भी खत्म हो जाएगा, कड़वे दिन भी आपकी पूजा जो आपने कार्यालय के लिए बताई थी, वो कार्यालय की पूजा भी खत्म हो जाएगी और मनमास भी खत्म हो जाएगा। नौ दुर्गों का जो समय आप उचित समझे वो दें, हमारी बड़ी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी को भवन के भूमि पूजन के लिए बधाई दी और कहा, इस भवन के बनने के बाद बीजेपी को नई शक्ति मिलेगी। कार्यक्रम में सांसद संध्या राय, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत, संभागीय संगठन मंत्री केशव भदौरिया, रणवीर रावत, विवेक मिश्रा, सुकर्ण मिश्रा, विधायक प्रदीप अग्रवाल, घनश्याम पिरोनिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के महामंत्री संगठन जो हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने का काम लगातार करते हैं और जिनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश आज कार्यकर्ताओं के तौर पर एक बड़ी श्रृंखला मध्य प्रदेश के अंदर जो खड़ी है, ऐसे आदरणीय संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी और आज जिनके प्रयासों से, अथक मेहनत से, जिस प्रकार से उन्होंने, मैं भी आपसे उनसे बात कर रहा था कि द्रौपदी दतिया की तरफ माँ पीतामरा की कृपा थी तो लोग आते थे। दीनदयाल उपाध्याय ने इस भारत के अंदर अथक मेहनत करके एक संकल्प के आधार पर खड़ा किया था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए वो संकल्प लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया। भारतीय जनता पार्टी के इस विचार को एकात मानववाद के आधार पर इस देश के अंदर खड़ा करने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development,
with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।